नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। वीडियो सुबह बनानी पड़ रही है, वैसे ये वीडियो मैं सैटरडे को बनाता हूँ। क्या कहना है साहब, खबर ही कुछ इस प्रकार की आ रही है कि मन प्रसन्न है। प्रसन्न है साहब, और क्यों ना हो। देखो, जो आशा के अनुरूप आपके काम होगा और आपका अच्छा खासा मुनाफा होगा इस शेयर बाजार से, तो पैसे तो दोस्तों बनने ही बनने। ऐसे ही नहीं खरीदवा रहा था मैं आपको सरकारी बैंक। हर दफा हमेशा आपसे ये कहा कि इन सरकारी बैंकों को बाय एंड डिप करते चलो, पता नहीं कौन से बैंक में क्या खबर आ जाए। पता नहीं साहब कौन से बैंक में क्या खबर आ जाए। कैनरा बैंक इसीलिए, इंडियन बैंक इसीलिए नीचे से कर रहे थे बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, और देखिए साहब वही हुआ। जी हाँ दोस्तों, वही हुआ। नीति आयोग जो पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आयोग बी की सिफारिश कर रहा था कि इनको प्राइवेटाइजेशन करो, इनको प्राइवेटाइजेशन करो, अब साहब कुछ कहानी ही बदल गई। अब साहब कहानी आ रही है, यानी सजेस्ट किए जा रहे हैं वो दो नाम, यानी कि साहब इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा। नीति आयोग का कहना है कि साहब इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर सरकार निजीकरण करती है तो ये बहुत आसान प्रक्रिया होगी, एसेस क्वालिटी को लेकर, रिटर्न ऑफ इक्विटी को लेकर, यानी कि कुल मिला के जितने भी क्राइटेरिया होते हैं एक निजीकरण के लिए, उसमें साहब इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा बिग प्लेयर हो सकते हैं, यानी कि अच्छे सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। देखो दोस्तों, यही होना है, यही होना है, होना कुछ नहीं है और यही होना है साहब। यानी खबरें लगातार आएंगी प्राइवेटाइजेशन में। साहब जो खबरों ने काम किया है, आईओबी सेंट्रल बैंक को बहुत नीचे से ऊपर सरकार पहुंचा चुकी है, और अब बारी है दूसरे बैंकों की, और खबरें इसीलिए आप ये आती हुई देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि इंडियन बैंक और बीओबी को सरकार फटाक से प्राइवेट कर देगी, ऐसा नहीं है। हर बैंक की स्थिति को सुधारना है। सरकार ने देख लिया है कि साहब निजीकरण की खबरों ने कितना दबा के काम किया है साहब, उसी चीज को समझते हुए अब सरकार इस तरह की न्यूज पब्लिश कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज है, बगल में ग्राफ लगा हुआ है और इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिया जा रहा है, और कमाल की तेजी है साहब। इंडियन बैंक में कमाल की तेजी 174 के आसपास है, 148 और 49 के पास हमने इसमें बाय करा है। हर डिप पे इन बैंकों को बाय कर रहे हैं और जैसे ही ये ऊपर जा रहे हैं इनको बेच रहे हैं। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आज भी आपसे मैं यही कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये खबरें हैं, और खबरें मैंने आपसे बता रखा है लगातार आएंगी, कुछ दिनों तक आएंगी, जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता, इन बैंकों की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती, तो साहब खबरें तो आएंगी। निजीकरण की सरकारी आधिकारिक खबर नहीं आएगी, सिर्फ खबरें आएंगी कि इस तरह इस बैंकों का निजीकरण किया जा सकता है, विभिन्न विभिन्न सोशल मीडिया के द्वारा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा या विभिन्न विभिन्न अखबारों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी पे बहुत सारी खबरें दोस्तों आएंगी, लेकिन आधिकारिक बयान नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इन खबरों से आपको विचलित या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आनंद उठाइए, हाई डिप पे सरकारी बैंक को बाय करिए, और साहब ऊपर जाए तो इनको बेचिए। और एक बात और साहब, जो इसके पीछे काम कर रहा है ना, इस तरह की जो इंप्लीमेंट्स हो रहे हैं कि सर ऐसा नहीं, खबरों पे ही साहब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सलाम है साहब, सैल्यूट सैल्यूट है उस मैनेजमेंट टीम को जो इस तरह के आइडिया दे रही है। बाद में आप देखोगे मर्जर इसका एक लास्ट रिजल्ट होगा। जब तक प्राइवेटाइजेशन की खबरों से काम चल रहा है, सरकार चलाएगी, और ये खबरें बहुत दम रखती हैं इन बैंकों में कैपिटल इन्फ्लूजन के लिए। तो आगे दीजिए, आज का वीडियो समाप्त करने की डिटेल वीडियो सैटरडे पे होगी, और कोई अपडेट आता है तो फिर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा नया वीडियो लेके। तो घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सिर्फ इन स्टॉक को बाय करिए, बाय ऑन डिप करिए और सेल ऑन राइज करिए। आनंद उठाइए, प्रॉफिट के शेयर अपने घर ले जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जब मर्जर होगा तो यही बैंक बहुत बड़े हो जाएंगे, इनके प्रॉफिट के शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे जरूर। तो फाइनली इजाजत लेता हूं आज का वीडियो समाप्त करने की, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार फाइनली, नमस्कार।